सो हाई गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सी एल अनर्स। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका सब कुछ हो गया लेकिन किसी पर भी कॉन्फिडेंस नहीं बना है, और वो सोच रहे हैं कि थ्योरी भी हो गया प्रैक्टिकल भी हो गया, लेकिन अब मेन डाउट ये आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकल में भी जो थ्योरी है वो भी करनी है, क्या वो करना ज़रूरी है अब इस टाइम पर? जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स है वो तो याद रह नहीं रहे, और अब प्रैक्टिकल की थ्योरी करने जाएंगे तो सब खिचड़ी बन जाएगी, तो करे क्या अब इस टाइम पर, तो और कैसे करें? तो देखो, सबसे बेस्ट चीज़ मैंने क्या करा था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को प्योर प्रैक्टिकल तरीके से करा था, उसमें थ्योरी मैंने नहीं देखी थी। ऑफ कोर्स जो आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे उसमें एक एक पॉइंट में थ्योरी दी हुई रहती, वो हम पढ़ते ही है क्वेश्चन करते वक्त, लेकिन अलग से ऐसे थ्योरी की कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या हुआ था, जब मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर तो देखे थे, तो लेक्चर में ऑफकोर्स सर ने कवर करवाई थी, तो मेरे पास थोड़े बहुत ऐसे नोट्स तो मैंने प्रॉपर इतना ना उन्होंने बनवाए थे और ना ऐसे कुछ हमने बनाए थे। उस टाइम तो मौज मस्ती में क्लासेस निकाल दी, बाद में पता चला कि नोट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो अब उस टाइम पर उनके जो नोट्स थे, मतलब जो वो ही भेजते हैं, उसमें भी थ्योरी का थोड़ा बहुत पोर्शन था, पर उसको कवर कैसे करें समझ नहीं आ रहा था। तो इसका मैंने बेस्ट ऑप्शन निकाला कि क्यों ना थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा देखो। हम मैंने तो सब कुछ नहीं करा था, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कितना करा है, तो मेरा तो हमेशा से ये मानना रहा है कि कम करो पर अच्छे से करो। तो मैंने सब कुछ नहीं करा था, मैंने सोचा कि अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स में 60-70% कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सब कुछ प्रैक्टिकल चल करके चल जाऊँ, तो थ्योरी जो है वो थोड़ा बहुत मैं मन थ्योरी क्या रहती है एक्चुअली, थ्योरी में हमसे डिसीजंस पूछे जाते हैं कि अगर ये है तो एडवाइस करो कि क्या होना चाहिए। ज़्यादातर थ्योरी इस टाइप की रहती है कि आप अपने एडवाइस करो कि अबव जो हमने सॉल्व करा ए बी पॉइंट, उसमें जो कंक्लूजन्स निकले उसके हिसाब से थर्ड में आपसे थ्योरी पूछ लेंगे कि अब क्या करना चाहिए। ये होती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की थ्योरी। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि डिफरेंस बताओ, बिल्कुल थ्योरिटिकल मतलब प्योर थ्योरिटिकल क्वेश्चन कम आते हैं। तो वो तो मैंने सोचा था कि चलो एक दो अगर आ भी गए तो 5-6 नंबर से ज़्यादा के तो नहीं आएंगे, तो वो तो मैं छोड़ दूंगी, पर एटलीस्ट प्रैक्टिकल पे मेरी अच्छी कमांड है, तो क्यों ना प्रैक्टिकल को ही अच्छे से कर लिया जाए। तो एडवाइस करने के क्वेश्चंस देखो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना आईसीए मॉड्यूल से या फिर जहाँ से भी आपने क्वेश्चंस करें, तो उसी में नीचे सी वाला जो पॉइंट रहता है अधिकतर वो ही थ्योरी का होता है। तो वो मैंने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, तो इतना मेरा वो बन गया था बेस के, यार चलो अब कोई सा दूसरा क्वेश्चंस भी इनके अलावा आ गया तो मैं थ्योरी उसकी कुछ ना कुछ मन से लिख दूंगी। तो मैंने तो यही करा था कि मैंने थ्योरी भगवान भरोसे छोड़ दी थी, कॉन्फिडेंस था खुद पर कि ठीक है थोड़ा बहुत मन से तो मैं लिख ही दूंगी कुछ ना कुछ, बाकी मेरा यही था कि यार प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट कर लूँ। अब इस सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे जो आएंगे वो कमेंट्स में बोलेंगे कि दीदी आप फ्रॉड कर रहे हो हमारे साथ, स्कैम कर रहे हो, ये क्या है हमको छोड़ने का बोल रहे हो, 20-25 नंबर की थ्योरी आती है आजकल। तो एक बात बताऊँ, मैं तो बोल रही हूँ कि कर लो, क्या आप कर सकते हो इस सिचुएशन में? अब 10-12 दिन बाकी है, क्या क्या करोगे बताओ, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो जिस अगर आपकी थ्योरी पे अच्छी कमांड है, मुझे पता है कि थ्योरी जो रहती है वो इजी रहती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपने क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करी होगी तब आपने कुछ ना कुछ ऐसा थ्योरिटिकल सी पॉइंट हर क्वेश्चन में आता ही है तो वो आपने सॉल्व करा होगा, तो उसका आपको एटलीस्ट आइडिया तो हो गया होगा ना। तो आईसीआई जो रहता है वो बिल्कुल सेम चीज़ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनके उसमें जो लिखा है वो सेम आप लिखो, थोड़ा बहुत अगर मिलावा भी रहेगा तो भी वो आपको नंबर दे देंगे, लेकिन आपको कोई सा प्रैक्टिकल चैप्टर आपने पूरा ही छोड़ दिया, क्योंकि आप थ्योरी करोगे ऑफकोर्स आप इधर कुछ ना कुछ छूटेगा, सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ करने जाओगे तो कुछ छूट जाएगा, तो अगर एक दो चैप्टर आपके छूट ही गए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप मन से कैसे अटेम्प्ट करोगे? थ्योरी तो आप फिर भी मन से लिख सकते हो और चांसेस है कि आपको नंबर मिल जाएंगे, 8-10 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो छूटेगा तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे मन से? वो नंबर तो सीधे सट गए ना। थ्योरी में अगर एटलीस्ट मन से लिखोगे तो 5 में से इंसान 2 नंबर तो देगा, पर उसमें तो आपको 0 नंबर मिलेंगे और इम्प्रेशन जो गया वो गया अलग हमारा। तो इस सिचुएशन में मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि सब कुछ नहीं हो सकता और कुछ छोड़ने जा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में प्लीज़ अभी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की थ्योरी है वो थोड़ा साइड में हटाओ, उसको हम थोड़ी लास्ट प्रायोरिटी देंगे, टाइम बचा तो कर लेंगे ऑफकोर्स, और नहीं बचा तो छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चंस कर करके थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है, और अगर आपने लेक्चर्स देख रखे हैं किसी भी फैकल्टी के तो ऑफकोर्स मुझे यकीन है कि हर फैकल्टी थोड़ी बहुत थ्योरी तो हमको बताता ही है, तो उसके अगर आपके पास नोट्स पड़े हैं तो जब आप थ्योरी करते हो मतलब सॉल्व करते हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जब जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हो उसके स्टार्टिंग में आपके पास लिखा होगा तो वो देख लो, और अगर कुछ नहीं भी लिखा आपने मन से करा है किसी के लेक्चर्स नहीं लिए
तो जैसे मैंने बोला कि अभी लास्ट प्रायोरिटी पे रखूं, क्वेश्चन से थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, और कुछ छोड़ना ही अगर तो प्लीज़ कोई सब चैप्टर मत छोड़ो प्रैक्टिकल चैप्टर सब्जेक्ट का, वो थ्योरी जो है वो अभी होल्ड ऑन पर रखो और उसको छोड़ देना फिर बाद में अगर ऐसा कुछ लगे तो। तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन जो भी होगा वो ऑफकोर्स आपका डिसीजन ही होगा, और जो भी आप अपने लिए डिसीजन लोगे वो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। तो प्लीज़ जो भी कर रहे हो खुद पर बिलीव रख के करना, और मेरी एडवाइस अगर माननी हो, लॉजिक समझ आया हो तो मान लेना, नहीं माननी हो तो भी कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। ऑफकोर्स वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।